महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका। कुछ दिन पहले जब लोकनायक बापूजी अड़े ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करूं, तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा सम्मान माना। उसके साथ साथ बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहां आऊंगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा। इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने अथवा ना करने के विषय में सोचूं। मैंने उसे एक आदेश मानकर सिरोधार्य कर लिया। थोड़े समय की अनिश्चितता अवश्य रही, क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूंगा तो यहाँ आऊँगा। मुझे प्रसन्नता है कि वह दिन आ गया है और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका। लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भावना की नींव डाली, वह आज स्वतंत्रता के रूप में हम सबको मिला है। अपनी बुद्धि, अपना शरीर और धन, जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है, सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागृत किया और हमें स्वराज के लिए तैयार किया। जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज के लिए और भी कितने त्याग की आवश्यकता होगी, उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि ब्रिटिश राज के जेल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। यही कारण है कि उन्होंने कड़े कारावास का दंड हंसते हंसते अधिक हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक उदाहरण रखा, जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज भी पा लिया। आप लोग लोकमान्य के काम के ढंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं। मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। मुझे इस बात की ओर और भी प्रसन्नता है और ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अड़े आज भी ईश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं। मुझे आशा है कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए अब जबकि हमें स्वराज भोगने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे, हमें उसे सार्थक बनाना है। आदरणीय महोदय, बच्चों और विकलांगों की सेवा करने वालों का सम्मान करने के लिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पुरस्कार जीतने वालों को उनकी निस्वार्थ सेवा और लगन से बच्चों और विकलांगों के कल्याण के प्रति की गई कोशिशों के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लाखों बच्चे और विकलांग हैं, समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न ही काफी नहीं होंगे। यह बहुत जरूरी है कि पूरे समाज को देश की कोशिशों में पूरा भाग लेना चाहिए। यह दान के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज के सच्चे बच्चे अपनी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निष्ठापूर्वक किए जा रहे काम की सराहना करनी होगी। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश बच्चों के कल्याण में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। वास्तव में उनके कल्याण की जिम्मेदारी को हमारे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भारत उन थोड़े से देशों में से है जिन्होंने बच्चों के लिए समुचित राष्ट्रीय नीति और कई ऐसी नीतियों को अपनाया है। राष्ट्रीय नीति यह घोषणा करती है कि बच्चे हमारे सबसे महत्वपूर्ण संपदा हैं, जिनका पालन पोषण और विकास राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की सेहत, पौष्टिक खुराक, शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास संबंधी सेवाओं के दायरे का विस्तार करते रहना है। ऐसी नीति बच्चों की गर्भावस्था तथा जन्मोपरांत के समय में पर्याप्त पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करके बच्चों को विकलांग होने से बचाने में सहायता करता है। स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों की सहायता के लिए जो काम कर रही हैं वह सराहनीय तो है, परंतु आमतौर पर यह देखा गया है कि उनका कार्यक्षेत्र कुछ बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों तक सीमित होता है और अधिकतर ग्रामीण जनता तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाती है।
यह आश्चर्य की बात है कि विकलांगों की समस्याएं उनकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पैदा नहीं होती जितनी विकलांगों के प्रति समाज के रवैये से होती हैं। उनकी मानसिक या शारीरिक कमी से कहीं ज़्यादा उनके प्रति पक्षपात की भावना उन्हें साधारण जीवन जीने में बाधा डालती हैं। इसलिए समाज और जाति द्वारा विकलांगता के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में अपना कदम पहला यह है कि परिवार में विकलांगों को सामाजिक और भावनात्मक स्नेह प्राप्त हो। मुझे आशा है कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के इन वर्गों की शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों को समाप्त करने के लिए भी काम कर रही हैं। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएँ इस सराहनीय काम में लगी हुई हैं और वह हमारे बच्चों और विकलांग भाइयों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना का जीता जागता उदाहरण हैं।